हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके इजी फार्मेसी। मैं संदीप बी फार्मा के सभी भाइयों और बहनों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बी फार्मा से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। आप सभी लोगों के नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप सभी लोग बहुत लगन के साथ पढ़ाई करिए और बहुत उन्नति करिए। आज का हमारा टॉपिक है कि बी फार्मा का रिज़ल्ट कब तक आएगा। बहुत सारे बच्चे लोग परेशान हैं कि बी फार्मा का रिज़ल्ट कब तक आएगा। चलिए हम कुछ बातें जान लेते हैं रिज़ल्ट के बारे में। सबसे पहले आपके सामने एक AK2U का सर्कुलर है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि हमारा रिज़ल्ट कब तक आएगा। सबसे पहले हम सभी लोगों ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा। एक हमारा लास्ट में एग्ज़ाम हुआ था जो कि हमारा 75 मार्क्स का था। हम सभी लोगों ने सेंटर पर जाकर अपना ये एग्ज़ाम दिया था। फिर हमारी क्या होती है, हम लोगों ने क्या किया था कि एग्ज़ाम हमने दिया, फिर उसके बाद क्या होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी सेंड टू AK2U। हम लोगों ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद हमारी कॉपी जो है वो सेंटर पर सबमिट हो गई। फिर वो कॉपी जो है क्या होती है, सेंड टू AK2U, मतलब वो कॉपीज़ जो हैं वो AK2U भेज दी जाती हैं। फिर क्या होता है, एग्ज़ाम कॉपी चेक्स बाय द एग्ज़ामनर आफ्टर गिव द नंबर इन द कॉपी। क्या करते हैं कि एग्ज़ामनर जो है वो हमारी कॉपीज़ को चेक करते हैं और फिर उसके बाद हमें 75 में से जितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं उसके हमें नंबर मिल जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, कॉलेज, कॉलेज में क्या होता है, सेशनल एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। आप सभी लोगों ने कॉलेज में सेशनल एग्ज़ाम दिया होगा और प्रैक्टिकल भी एग्ज़ाम दिए होंगे। कॉलेज क्या करता है, उसके बाद सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल सेशनल मार्क्स जो है वो अपलोड बाय द कॉलेज ऑन द AK2U साइड। AK2U साइड पर कॉलेज क्या करता है, आपके सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स दोनों अपलोड कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हार्ड कॉपी सबमिट इनटू AK2U, और उसकी जो एक हार्ड कॉपी होती है वो क्या होता है, AK2U में सबमिट करनी होती है। तब जाके क्या होता है, अपलोड योर बोर्ड नंबर, मतलब जिसमें 75 में से, एंड सेशनल मार्क्स और जो आपके सेशनल मार्क्स होंगे, एंड प्रैक्टिकल मार्क्स जो भी आपका प्रैक्टिकल मार्क्स होगा, ठीक है, अपलोड बाय द AK2U। AK2U क्या करता है कि अपनी साइड पे अपलोड करता है, फिर आपका क्या आता है, रिज़ल्ट आ जाता है। तो इस प्रकार हमारा क्या है होता है कि रिज़ल्ट आता है जब हमारी कॉपी चेक हो जाती है और हमारा सेशनल मार्क्स अपलोड हो जाता है और उसकी हार्ड कॉपी क्या होती है, सबमिट हो जाती है AK2U में, तब जाके हमारा क्या होता है, रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स कब आती है, रिज़ल्ट लेट क्यों आता है। मेन दिक्कत है, दो रीज़न हो सकते हैं, या फिर एक बार कॉपी लेट चेक हो, या फिर दूसरा क्या है, सेशनल मार्क्स हमारे जो है वो हमारे लेट भेजे जाएँ। तो AK2U ने यही चीज़ें प्रॉब्लम्स कर रही हैं कि कॉलेज क्या है, नंबर सेशनल मार्क्स जो है वो आपका लेट भेजता है, इस वजह से थोड़ा सा रिज़ल्ट आने में प्रॉब्लम्स कर रहा है। देखिए ये एक सर्कुलर भेजा है AK2U ने, ज़रा इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पास लिखा हुआ है, ये एक AK2U का सर्कुलर है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें, सेवा में
निदेशक प्रधान प्रचार मतलब डायरेक्टर जो भी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रावधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबद्ध समस्त संस्थाएं, मतलब जो AKTU से अफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उनको ये लेटर भेजा गया है। विषय क्या है? शैक्षिक संस्था सत्र सॉरी सत्र 2021-22 के सम सेमेस्टर व रेगुलर एवं कैरी ओवर के समस्त स्नातक व पर स्नातक पाठ्यक्रमों के द्वितीय चरण की परीक्षाओं के आंतरिक मतलब इंटरनल सेशनल और प्रयोगात्मक, आंतरिक मतलब सेशनल और प्रयोगात्मक पर प्रैक्टिकल अंकों के ERP लॉगिन पर अपलोड तथा हार्ड कॉपी जमा किए हेतु तिथि विस्तृत किए जाने के संबंध में। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने वही बात कही है कि कॉलेज को बोला गया है कि आप सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो अपलोड कर दें और उसकी हार्ड कॉपी क्या करें आप AKTU में सबमिट करें। फिर क्या है? महोदय, उपयुक्त विषय विश्वविद्यालय के पात्र संख्या, ये इनकी पत्र संख्या है, दिनांक 26 अगस्त 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2021-22 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर की द्वितीय चरण के समस्त पाठ्यक्रम स्नातक पर स्नातक के प्रथम वर्ष व द्वितीय सेमेस्टर तथा BTech व B Pharma मतलब प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के BTech व B Pharma के द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में अध्यंतरित छात्र छात्राओं की लिखित परीक्षाएं 29 जुलाई 2020 से प्रदेश में स्थित विभिन्न परीक्षाओं केंद्र पर सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई थी। मतलब B Pharma या BTech की जो एग्ज़ाम्स थे वो आपका मतलब काफ़ी सारे सेंटर्स थे तो वहाँ पास सबमिट मतलब ये कराई गई थी, आपके एग्ज़ाम्स कराए गए थे। उक्त सेमेस्टर परीक्षा में अध्यंतरित छात्र छात्रों के आंतरिक सेशनल व प्रयोगात्मक अंकों को दिनांक 21/31/08/2022 तक ERP लॉगिन के माध्यम से अपलोड किए जाने की सूचना दी गई थी। मतलब ये एक डेट थी 31/8, इस डेट में क्या करना था कि कॉलेज को अपने सेशनल मार्क्स जो हैं अपने बच्चों के सेशनल मार्क्स अपलोड कर देने थे, लेकिन कुछ कॉलेजों ने अपलोड नहीं किए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त के संबंध में कर्तव्य संस्थानों तथा छात्र छात्रों द्वारा किए गए अनुरोध को सक्षम द्वारा स्वीकार करते हुए लिखित सेमेस्टर परीक्षा में ऐसे संस्थान जिनके द्वारा प्रयोगात्मक मतलब प्रैक्टिकल परीक्षा अभी तक संपन्न नहीं कराई गई है, ऐसे सभी संस्थान दिनांक 1 सितंबर, ये डेट देखिए 1 सितंबर 2022 से 3 सितंबर तक ERP पोर्टल के माध्यम से अनुरोध कर परीक्षा संपन्न कराते हुए प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल व आंतरिक अंकों को 1 दिसंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 तक अपलोड करने हेतु पुनः विस्तृत कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो जो कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं हुआ है वो 1 सितंबर से लगा करके 3 सितंबर तक के अपना प्रैक्टिकल करवा लें और उसके बाद वो नंबर क्या करें अपलोड कर दें। उपरोक्त तिथि के उपरांत तिथि विस्तृत अपलोड किए जाने के हेतु तो पुनः विस्तृत कर दी गई है और उपरोक्त तिथि के उपरांत तिथि विस्तृत जाना संभव नहीं होगा। उपरोक्त के सभी आवश्यक कार्रवाई ना करने की दशा में 24 अगस्त 2022 को संपन्न हुई परीक्षा समिति बैठक में निर्णय अनुसार निर्धारित विलंब शुल्क देय है। मतलब जो ये वही चीज़ें हैं। और फिर लास्ट वाली लाइन देख लेते हैं, अतः आपसे अपेक्षा की जाती है संबंधित छात्र छात्रों के आंतरिक सेशनल व प्रयोगात्मक अंकों को निर्धारित उक्त
ई आर पी लॉगिन के माध्यम से अपलोड करते हुए अंकों की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी स्पाइरल बाइंड अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 6/9/2022 तक प्रत्येक दशा में जमा कराने उपलब्ध कराने की कष्ट करें। कहने का मतलब ये है कि सभी कॉलेजों में बोला गया है कि आप अपने प्रैक्टिकल जो है एग्ज़ाम वो कंडक्ट करा लीजिए, और फिर उसकी जो हार्ड कॉपी होती है वो 6/9/2022 मतलब 6 सितंबर को प्रत्येक हर हालत में मतलब AKTU में सबमिट करनी होगी। तो ये आपका सर्कुलर है, तो इससे ये पता चलता है कि कॉलेज थोड़ा सा लेट कर रहा है, इस वजह से आपका रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा आने में लेट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अभी 6 तारीख को है ये, तो 6 तारीख से फिर आई थिंक मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन के आसपास लग सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं, क्योंकि एक बच्चा तो है नहीं, लाखों बच्चे हैं। इस वजह से आपके रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा 10 से 15 दिन का टाइम लग सकता है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। और इसलिए आप सभी लोग परेशान ना हों और नेक्स्ट सेमेस्टर की अच्छे से प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल को पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बी फार्मा से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।